उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी ने अपने संगठन को मजबूत करना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में SC/ST प्रकोष्ठ के महानगर सचिव विशाल कुमार जी से बात की हमने, जिन्होंने अभी जल्दी ही अपनी कमेटी का गठन किया है और बड़े जोर शोर से समाजवादी विजन को कामयाब बनाने के लिए जुटे हुए हैं। आइए बात करते हैं विशाल कुमार जी से। आज जो समाजवादी पार्टी विकास विजन पदयात्रा जो निकाल रही है, उसका एक ही मकसद है कि जैसे भाजपा वालों ने गांव गांव पांव पांव अपनी उपलब्धियां गिनाने के लिए गांव गांव गए थे, इसी तरह समाजवादी पार्टी विकास विजन पदयात्रा जो निकल रही है वो समाजवादी पार्टी की योजनाएं गांव गांव गली गली मोहल्ले मोहल्ले पहुंचाने के लिए निकल रही है और इनकी BJP एंड कंपनी के लोगों की झूठी फरेबी और मक्कारी, किसान नौजवान बेरोजगारी जैसे ये वादे करते हैं, ये जुमलेबाजों की सरकार की जो सच्चाई है वो सच्चाई को लेकर के गांव गांव पांव पांव समाजवादी विजन पदयात्रा निकल रही है। इनकी सच्चाइयां गांव गांव उजागर करने के लिए ही हमारी यात्रा निकल रही है। अच्छा, जो ये अभी आपका गठबंधन हुआ है आपकी पार्टी का और बहन जी का, तो इसका चुनाव में क्या फायदा क्या नुकसान आप देखते हैं, इसका क्या असर रहेगा 2019 के चुनाव में? आज जो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की गठबंधन हुआ है और ये गठबंधन 80% 100 में से 80% जितनी भी 80 लोकसभा सीटें हैं हमारे यहाँ की, और हम गठबंधन में पूरी सीटें जीत रहे हैं और इसका कहीं ना कहीं परिणाम बहुत ही गलत, BJP वालों के लिए बहुत गलत परिणाम होगा। और इसके नतीजे अभी हाल ही में ही हुए उपचुनाव में देखने को मिले थे, जैसे कि फूलपुर चुनाव केशव प्रसाद मौर्य अपनी सीट से हार गए थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ CM रहते हुए अपना संसदीय क्षेत्र नहीं बचा पाए थे। तो आप जनता जान चुकी है कि ये झूठी फरेबी सरकार है, अब इनके दिन ढल चुके हैं और ये अब बोरिया बिस्तर अपना बांध ले, और ये घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, अब ये जान चुके हैं सपा बसपा का गठबंधन मजबूत है हो गया है और ये जरूर कहीं ना कहीं हमको उठा के फेंकने का काम करेगा, इसलिए ये अब ये तरह तरह के नौटंकीबाजी इन्होंने शुरू कर दी है और इस गठबंधन का कहीं ना कहीं बहुत बुरा असर पड़ेगा और ये पूरी तरह फेल हैं। हमारे गठबंधन के आगे, सपा बसपा गठबंधन के आगे ये BJP वाले पूरी तरह फेल हैं। अच्छा, जो उनकी सेफ्टी है उससे आपका क्या नुकसान हो रहा है या कुछ असर नहीं हो रहा, क्या कहना चाहेंगे उस पर? देखिए, शिवपाल जी की पार्टी का ये उनका घरेलू झगड़ा है और समाजवादी पार्टी को इसका कहीं नुकसान नहीं हो रहा है और कोई नुकसान नहीं होगा। आप अपने मतदाताओं से क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हम अपने मतदाताओं से संदेश यही देना चाहेंगे कि आगामी 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को मजबूत बनाएं, गठबंधन को मजबूत बनाएं और सरकार आने पर हम इनकी अपनी सरकार की योजनाएं गांव गांव तक घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। और रहा शिवपाल जी की जो पार्टी समाजवादी सेकुलर मोर्चा बनी है, इसका समाजवादी पार्टी पर कहीं भी असर नहीं पड़ेगा, प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। अच्छा, SC/ST प्रकोष्ठ के आप सचिव हैं, तो ये SC/ST कहाँ तक अपने को समाजवादी पार्टी से जुड़ा पाता है? देखिए, समाजवादी पार्टी जो SC/ST प्रकोष्ठ है, SC/ST प्रकोष्ठ का काम आज पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है और समाजवादी पार्टी तो थी और समाजवादी पार्टी है और जो SC/ST प्रकोष्ठ है उसका एक माध्यम है। SC/ST प्रकोष्ठ के माध्यम से SC और ST समाज के लोगों को जोड़ना, SC समाज जो आज हमारा बहक चुका है उसको जागरूक करना और उसको मजबूत करना, और SC/ST प्रकोष्ठ के माध्यम से हम SC/ST प्रकोष्ठ तो मजबूत कर ही रहे हैं और SC/ST प्रकोष्ठ के साथ साथ मजबूत जो करे उसके साथ साथ ये भी है कि हम जो SC/ST के लोग हैं उसको भी हम कहीं ना कहीं SC/ST प्रकोष्ठ के माध्यम से जागरूक कर रहे हैं और SC/ST के लोगों पर किसी भी प्रकार
कि दुर्व्यवहार होगा तो SC ST प्रकोष्ठ के माध्यम से हम लोग रोड पे उतरेंगे और पुरजोर इसका विरोध करेंगे। इसलिए SC ST प्रकोष्ठ बनाया गया है। SC समाज के ऊपर या ST समाज के ऊपर कोई भी दुर्व्यवहार होगा उसके विरोध में हम लोग रोड पे उतरेंगे और इसका खुलकर विरोध प्रदर्शन करेंगे प्रकोष्ठ के माध्यम से। संविधान बने हुए जब से देश आजाद हुआ है तभी संविधान बना था देश का, मगर मैं समझता हूँ आज भी हमारा दलित समाज SC समाज सुरक्षित नहीं है। आज भी उसके साथ भेदभाव है। भेदभाव की भावना से यही नहीं, गांव देहातों में चले जाइए। तो समाजवादी पार्टी में आप अपने को कहां तक सुरक्षित पाते हैं? ऐसा क्या SC ST के लिए समाजवादी पार्टी में अच्छा है स्थान? जी, मैं समाजवादी पार्टी में SC को बिल्कुल ही सुरक्षित मानता हूं, क्योंकि ये समाजवादी पार्टी समाजवादी है बल्कि जातिवादी नहीं है। हम समाजवाद की राजनीति कर रहे हैं, हम समाजवाद के लिए बोलते हैं, ये समाजवाद की राजनीति कर रहे हैं, ये जातिवादी नहीं है। और हमारा दलित समाज समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ता है, SC ST प्रकोष्ठ के साथ जुड़ता है तो सुरक्षित है, बिल्कुल सुरक्षित है। ये थे समाजवादी पार्टी के SC ST प्रकोष्ठ के जिला सचिव विशाल कुमार जी, जिन्होंने बताया कि SC ST पूरी तरह से समाजवादी विजन यात्रा के साथ जुड़कर और समाजवाद के साथ में जुड़कर के समाजवादी पार्टी को मजबूत कर रहा है। विशाल कुमार जी ने बताया कि किस तरह से उनकी पार्टी गांव-गांव अपनी विजन यात्रा अपने किए हुए कार्यों को पहुंचा रही है।